बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया से विधि कॉलेज की संबद्धता ना होने के चलते सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल संबद्धता नवीनीकरण ना होने के चलते अधिवक्ता परिषद बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली से विधि महाविद्यालय की संबद्धता की सूची ऑनलाइन अपडेट नहीं हुई है, जिस कारण से विधि महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं हो पाया। जानकारी लगते ही विधि महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप कर अपने भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त किया है। आप रिस्पॉन्सिबल आदमी से बात करिए, आप टीचर से बात करिए कि हमसे बात करिए, नंबर कार्ड लेंगे या शायद 5 लाख रूपए और जो भी फॉर्मेलिटीज है उनके जो फॉर्म्स हैं, जो पेपर वर्क है, राजू दुबे जी आज आपके हेड है। सर हमारा सवाल ये है कि अखंड प्रताप सिंह स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनका बीसीआई से क्या लेना है? उनकी हेल्प ले रहे हैं, इसी तरह से आपका आपसे काम से मतलब है ना? सर 15 साल काम ले रहे हैं इसे आप। सर एक क्वेश्चन और है, इस चीज के लिए ठीक है, बहुत लोगों का फ्यूचर है, स्टेक है, बहुत लोगों की अगर बीसीआई मना कर देगा तो यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ क्या करेगी, कौन सी डिग्री देगी, कहाँ हम लोग जाएंगे? इस चीज का आंसर यूनिवर्सिटी हम लोग क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि 5 साल तो हम लोगों ने बर्बाद किए अपने यहाँ पे। अगर बीसीआई अप्रूवल नहीं देती फिर फ्यूचर में आप हेड बीमार हो गए हैं। आज हम अभी बात करते हैं, कोई रीजन नहीं होगा सर, 16 साल कोई रीजन नहीं है सर। नहीं अब देखो 16 साल से क्या बात थी, हम तो हमको आए कुलपति जी को आए तो भी साल डेढ़ साल 2 साल हो गए है ना। आप हम लोगों के संज्ञान में जब ये बात आई तो हम लोगों ने स्टेप लिया और फीस जमा कराई। 2006 की मतलब 1 साल का 5 लाख हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर हमारा सवाल यही है, आप बोल रहे हैं आप अभी आए हैं तो आपने भूतपूर्व जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? हम सिर्फ उनकी जानकारी दे सकते हैं, जो रिटायर हो गए चले गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो अभी सर एआई का एग्जाम होने वाला है, हम छात्र उसको दे नहीं पाएंगे, हमारा एक फाल बर्बाद हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं आपके हेड से बात करके, बीसीआई से बात करके कोई सेटिस्फेक्ट्री जवाब हम आपको देंगे, बात हो जाए हमारी बीसीआई से। सर ये क्या बात हुई, हम कब तक इंतजार करें सर? 15 साल तो जो नहीं होगा, हम पास कर दिए, हम जाओ जो करना है कर लो, ये क्या बात है? आप लोग हेड से इसी पर क्या करें, नंबर आपसे बात मत करिए, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी से बात करिए, टीचर ऐसे ही बात करिए कि हमसे बात करिए, सारे ऐसे बात करेंगे, ये कोई धमकी नहीं ऐसी, आप तो पढ़े लिखे आप हमला कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा इनजस्टिस ऐसा ऐसा कौन कर सकता है कि हम किसकी ताकत है कि फेल कर देगा? पिछली बार भी सर एक बिल्कुल मत डरिए इस बात, गलत धमकी से बिल्कुल मत डरिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक नंबर आप संविधान जानते हैं कि आप कितना अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बताइए राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक नंबर से फेल भी किया जाए, नंबर पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं और फिर वहाँ पे 50-50 ये सब बाद में करेंगे, वो बात नहीं, ये सब सर चीजें, लेकिन कोई धमकी आपको नहीं दे, आप उसको सर आप हमें धमकी दी जा रही है सर, बोला जाता है सर आप कुछ टाइम।